दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका फॉल्ट क्या है कि जब हीटर चालू कर रहे हैं ना, जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई किया हूं तो हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है, सामने एक ही वेंट में आ रहा है जो कि देख पा रहे हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट ये वाली वेंट सामने वाली वेंट में हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये वाली वेंट में आ रहा है। तो आपको कैसे समझ में आ जाए कि ऐसा होता है, सिर्फ ये वाली वेंट में आ रहा है हीटिंग टेम्परेचर, बहुत कम आ रहा है इसमें भी बहुत कम आ रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं 35 डिग्री। तो ये थर्मामीटर को मैं ये वाली वेंट में लगा के दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए। सिर्फ हीटर अभी चालू पोजिशन में, जैसा कि देख पा रहे 34 कम हो रहा है, जो कि गाड़ी चालू है अपना अभी, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, हीटर ऑन है, 32 पे आ रहा है और भी कम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कम हो रहा है, 31 पे आ चुका। फिर से मैं वापस से यही थर्मामीटर को ये वाली वेंट में लगा के दिखा रहा हूं आपको, तो आप देख रहे हैं 30 पे आ चुका था, अब बढ़ रहा है फिर से, देख पा रहे हैं। तो चारों वेंट में हीटिंग टेम्परेचर इक्वली आना चाहिए, लेकिन बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका हीटर कॉइल ना जाम हो चुका है, एक साइड से जाम हो चुका है, मतलब अंदर जो फिंस लाइंस रहती है ना हीटर कॉइल की, जो कि कूलेंट सर्कुलेशन करता है, तो वो जाम हो चुका है। इस वजह से हीटर टेम्परेचर दो ही वेंट में आ रहा है, सॉरी एक ही वेंट में आ रहा है, बाकी ये दोनों वेंट में नहीं आ रहा है। गाड़ी काफी टाइम से चालू है, गाड़ी हीट भी हो चुकी है जैसा कि देख पा रहे हैं वहां, तो इस वजह से मैं इसका हीटर कॉइल रिप्लेस करने वाला हूं। तो बहुतों का कहना है कि एसी ऑफ करके ही हीटिंग टेम्परेचर बताएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, एसी ऑन करेंगे ना तो हीटर जब हाई करते हैं ना हीटर, तो हीटर का जो फ्लैप रहता है ना वो कूलिंग कॉइल में एयर जाने का डायरेक्शन को बंद कर देता है, यानी कूलिंग कॉइल में से हवा नहीं पसार करता है, ये डायरेक्ट हीटर कॉइल में से हवा अपने सामने आती है। तो कोई कोई गाड़ी में ऐसा सिस्टम दिया हुआ रहता है जो कि कूलिंग कॉइल से होते हुए हीटिंग कॉइल में हवा आती है कोई कोई गाड़ी में, लेकिन सब गाड़ियों में ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है। तो इस वजह से अब अगर आप एसी चालू करके भी अगर चेक करना चाहते हैं कि हीटर आ रहा है क्या नहीं, तो चेक करना चाहते हैं तो एसी ऑन करके चेक कर सकते हैं। एसी ऑन करके अगर आपका चारों वेंट में इक्वली हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है तो आपका हीटर कॉइल बराबर काम कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है, कम ज्यादा आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, तो आपका हीटर कॉइल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं से जाम हो चुका है। तो इस वजह से हीटिंग टेम्परेचर सब में इक्वल नहीं बताता है। तो चलो फिर, जैसा कि मैं एसी ऑन रखा हूं फिर भी अभी इसमें देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है, जो कि इसमें सब कूलिंग आ रहा है, ये तीनों वेंट में कूलिंग टेम्परेचर आ रहा है। तो चलो फिर मैं इसका हीटर कॉइल चेंज करके फिर आगे आपको एसी ऑन रख करके भी हीटिंग टेम्परेचर दिखाऊंगा कि सब में इक्वल आ रहा है क्या नहीं। तो चलो फिर मैं आगे इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए लग जाता हूं, तो चलो फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं काम अपना, फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बैटरी की वायर निकाल चुका हूं मैं, और सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें दो क्लिप रहता है, एक इधर और एक इधर रहता है, तो ये निकाल चुका हूं और ये इजीली पूरा अपना हैंड ब्रेक ऊपर लेंगे, बाहर आ जाएगा। उसके बाद रही ये, इसमें दो स्क्रू दिया रहता है, सबसे पहले स्क्रू निकाल लेंगे हम, दो स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ रहता है, ये और ये, चारों स्क्रू खोलता हूँ फिर मैं आपको आगे फिर दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं चारों स्क्रू खोल चुका हूँ मैं, अब ये अपना इजिली आप खींचेंगे इसको तो बाहर आ जाएगा, पर इसको निकालने से पहले ये वाली जो पैनल दिया हुआ रहता है, ये वाली दोनों पैनल दोनों साइड का निकाल देने का, ताकि देख पा रहे मैं निकाल चुका हूं। उसके बाद इसको खींचेंगे इजीली बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर आ चुका अपना, गियर को पीछे ले लेता हूं, देख पा रहे निकल चुका, बाकी गियर बॉक्स को खोल के पलटी मारना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जैसा कि मैंने सब वीडियो में बताया हूं आपको कि डैशबोर्ड को जो पलटी मारूंगा तो गियर सीट के ऊपर, तो इस वजह से मैं इसको पलटी मार लूंगा ताकि
इसमें कुछ स्क्रैच वगैरह ना आए, बस इस वजह से। तो बाकी आगे क्या क्या खोलना पड़ रहा है वो सब कुछ तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद वीडियो में बता दूंगा। तो जैसा कि देख पा रहे गाड़ी अपनी अभी पूरी फिट है, तो चलो मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ और वीडियो के साथ बता दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा खोल के। तो चलो फिर आगे बताता हूँ आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली डैशबोर्ड मेरी खुल चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे सब हर एक पार्ट खुल चुका है डैशबोर्ड खोलने के लिए, जो जो भी खोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं गियर बॉक्स को खोल के चारों 12 नंबर बोल्ट जो है नट खोल के गियर बॉक्स को पलटी मारा हूँ। उसके बाद साइड का पट्टी ये रही, 12 नंबर 4 बोल्ट रहता है इसमें, इसको निकाल दिया हूँ। उसके बाद ये रही स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम को खोल के नीचे ले लिया हूँ। और ये दोनों केबल निकालना पड़ेगा अपने को, एक हीटर का निकाला नहीं हूं मैं, ये केबल और ये वाली डायरेक्शन का ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये सब सॉकेट जो देख रहे हैं फ्यूज बॉक्स में जितने सारी सॉकेट है, 4 सॉकेट ये वाली निकालना पड़ेगा और एक बीसीएम में से निकालना पड़ेगा आपको, बस यहाँ इतना ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक अर्थिंग का, उसके बाद साइड में जो देख रहे 12 नंबर 2 रहता है वो खोलना पड़ेगा, दिखा देता हूँ आपको। एक ये रही और एक ये रही, ये वाली 12 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये मीटर जो क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर का ऊपर का कवर खोलेंगे, तो उसके बाद एक यहाँ 12 नंबर दिया हुआ रहता है जैसा कि देख पा रहे, ये वाली खोलेंगे। उसके बाद एक ये वाली पावर स्टीयरिंग का इनलेट का, ये है आउट जो मोटर में जाता है और ये अपना मॉड्यूल में सप्लाई जो आता है वो वाला। उसके बाद इस साइड का ब्लोअर की जितनी भी सेंसर की, ब्लोअर की रेजिस्टेंस की, सेंसर की और ये आउटसाइड एयर का मोटर का, फ्लैप मोटर का निकालना पड़ेगा। और उधर एक यहाँ ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक अर्थिंग का ये वाली, उसके बाद 12 नंबर इस साइड दोनों जैसा कि देख पा रहे, एक ये वाली और एक ये वाली दोनों निकालना पड़ेगा, यहाँ का सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको। और साइड पैनल दोनों खोल दिया हूँ, तो बाहर से अभी मेरे को कुछ खोलने की जरूरत है नहीं। और गैस मैं रिकवरी पहले कर चुका हूँ, तो फिर आप बाद में बोल सकते गैस रिकवरी किए नहीं बगैर गैस रिकवरी करके डैशबोर्ड खोल रहे हो, तो गैस रिकवरी मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। और इससे पहले 2016 और 2014 का डैशबोर्ड खोल के मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोनों का, और आप वहां जाके देख सकते हैं, दोनों का सेम प्रॉब्लम है। तो चलो फिर आगे मैं डैशबोर्ड को पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा डैशबोर्ड निकलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल बाद में ही रहेगा, इसलिए बाहर से कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से खोलना पड़ेगा मेरे को। कॉल पैनल खोलने के बाद उधर नट दिया हुआ रहता है कंट्रोल पैनल, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में। तो चलो फिर जब तक के लिए मैं डैशबोर्ड को पलटी मार देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली डैशबोर्ड निकल चुकी है अपना, पलटी मार दिया हूँ, अब मेरा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालने का है। तो एक 10 नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है और एक यहाँ दिया हुआ रहता है, दिखा देता हूँ आपको ये वाली। तो दो इधर रहता है, बाकी आप इधर देख लीजिए, इधर कुछ नहीं है, बाकी सब बाहर से दिया हुआ रहता है, दो इधर से दिया है बाकी सब बाहर से दिया है। तो चलो पहले मैं बाहर का खोल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे कॉल पैनल में खोल चुका हूँ, उसके बाद ये हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा, हीटर का दूडू पाइप निकाल दिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट, उसके बाद एक 10 नंबर ये रही, एक 10 नंबर ये और एक 10 नंबर इधर दिया है देख पा रहे हैं। उसके बाद एक 10 नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ रहेगा, जो कि मेरे को ये सीएनजी का ये फिल्टर को ये फिल्टर खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं ये सब खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली सब खोल दिया हूँ मैं, ये पेट्रोल फिल्टर के पीछे रहता है एक नट रहेगा, एक यहाँ रहता है, एक ये और ये कूलिंग कॉइल के पास का खोल दिया हूँ। और उसके पीछे ये वाली जो देख पा रहे हैं आप, इसे दिख नहीं रहा साफ, ये वाली ये खोलना पड़ेगा, बाकी सब हीटर का सब खुल चुका है।
तो चलो फिर मैं आपको अंदर से क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अंदर से भी मेरा दोनों खुल चुका है। अब मेरे को कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर लेने का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अटक रहा है कुछ तो निकल जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं निकल चुका। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हीटर कॉइल मेरा यही है तो बाहर ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो फिर बाहर लेता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली बाहर ले चुका हूँ मैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, और ये रही मेरा, जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरीके से दिख रहा है। ये रही मेरा हीटर कॉइल, जो कि ये वाला सिर्फ फाइबर खोलना पड़ेगा अपने को, स्क्रू दिया हुआ रहता है, उसके बाद ये इजीली खींचेंगे बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर कॉइल सरने पे भी आ गया, और ये देख रहे हैं अंदर जाम हो गया है। यानी जाम बोले तो कैसा, यहाँ से कूलेंट का सर्कुलेशन होकर के इधर से निकल रहा है, इनलेट से जा रहा है और आउटलेट से बाहर निकल रहा है कूलेंट। ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, लेकिन बस ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है ना, तो ये अंदर से जाम हो जाता है। इस वजह से जैसा कूलेंट यहाँ से गया अगर, तो यहीं से होकर के फिर निकल जाता है। ये वाला अगर जाम रहेगा तो ये वाला जाम रहेगा तो यहाँ से होकर के ऐसे करके निकल जाता है। यही रीज़न रहता है कि आधा हीटर कॉइल में हीटिंग टेम्परेचर दे रहा है, कूलेंट का सर्कुलेशन होता है और आधा में से नहीं होता है, तो उधर हीटिंग टेम्परेचर नहीं आता, ये रीज़न है। तो नया वाला सबसे पहले हीटर कॉइल का मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं 2255 रुपये का है हीटर कॉइल नया। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ओरिजिनल हीटर कॉइल है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली नया वाला हीटर कॉइल फिट हो चुका है और जूनी वाली इधर रही। ये आयरन का पानी वगैरह डालने की वजह से ऐसा हुआ है, जाम हो जाता है ज़्यादातर, आयरन वगैरह पानी डालेंगे तभी होता है। तो चलो फिर मैं ये गाड़ी में फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब फिट कर चुका हूँ, सब जितना भी बाहर से खोला था फिट कर चुका हूँ, और मेरे को कॉल पैनल लगाना बाकी है। कॉल पैनल लगा करके फिर मैं अंदर का काम चालू करूंगा। तो चलो फिर लग जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कॉल पैनल वगैरह सब फिटिंग कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब फिट हो गया। तो चलो फिर अंदर का मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और जैसा कि देख पा रहे हैं कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर से मैंने सब फिटिंग कर दिया है और अंदर भी बैठ चुका है पूरा। तो अब मैं डैशबोर्ड अंदर डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड को डाल के फिर इसमें आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप फाइनली डैशबोर्ड डाल दिया हूँ मैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं सब फिटिंग करके सब आगे फिर आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली फिटिंग हो चुकी है, यहाँ का 10-12 नंबर जो था, जैसा कि देख पा रहे हैं फिट कर दिया, सॉकेट भी लग चुकी है अपना, और बाकी रही ये वाला, इसका कवर लगाना बाकी है। तो मैं ये सब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है लगाना, जैसा कि देख पा रहे हैं फिट हो चुका है। तो बाकी गियर बॉक्स वगैरह, स्टीयरिंग कॉलम, जैसा कि देख पा रहे हैं सॉकेट वगैरह, ये सब सॉकेट बैठ चुकी है अपनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब सॉकेट बैठ चुका है इधर का 12 नंबर। तो गियर बॉक्स भी बैठा दिया हूँ। तो चलो बाकी का जो भी जितना भी छोटा मोटा कुछ है ना, वो सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको फाइनल फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं फिटिंग करने को लग जाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है, जैसा कि देख पा रहे हैं सब प्रॉपर तरीके से, सिर्फ टूल बॉक्स लगाना बाकी है मेरे को, वो मैं बाद में लगा देता हूँ। तो बाकी जैसा कि देख पा रहे सब फिट हो चुकी है। चलो फिर मैं इसको अब गैस चार्जिंग वगैरह करके, गैस चार्जिंग को लेके जा रहा हूँ, गैस चार्जिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हाई और लो दोनों लगा चुका हूँ, और मैं इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं आपको।
वैक्यूम कंप्लीट हो गया, मैं इसको गैस चार्जिंग कर लेता हूँ। 400 ग्राम गैस मार देता हूँ और जैसा कि देख पा रहे गैस फिल हो चुका। चलो फिर मैं अंदर जाके गाड़ी चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी जैसा कि देख पा रहे चालू है और एसी मैं चालू रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 7.2 पे आ चुका है, 6.9 पे यानी अभी भी ड्रॉप हो रहा है, 6.7 यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो चलो फिर मैं इसका एसी चालू रखते हैं और हीटर टेम्परेचर चालू करता हूँ, या फिर एसी ऑफ कर देता हूँ और हीटर चालू करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, देखते हैं कितना तक जा रहा है ये वाली सामने वाली वेंट में। जैसा कि देख पा रहे हीटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 18 पे आ चुका, 22 पे आ चुका, 27 पे आ चुका, 31 पे आ चुका। देखो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी बढ़ रहा है, एसी ऑफ है, अभी हीटिंग टेम्परेचर देख पा रहे हैं बढ़ रहा है। जो कि सिर्फ पहले जो होता था सिर्फ यही वाली वेंट में हीटिंग टेम्परेचर आता था और सब ये तीनों वेंट में हीटिंग टेम्परेचर नहीं आता था, क्योंकि इसमें भी देख पा रहे हैं 59 पे है अभी। सिर्फ यही वाली वेंट में पहले हीटिंग टेम्परेचर आता था जो कि हीटर कॉइल रिप्लेस करने से पहले। और इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें भी बता रहा है और इसमें भी दिखा देता हूं आपको, सिक्सटी यानी आप डाउन हो रहा है अभी, 59, 58 इसमें भी हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हीटिंग टेम्परेचर कितना है, सामने वाली वेंट में रखा हूं और हीटिंग टेम्परेचर देख रहे हैं 56 है, 57। तो चलो जब तक मैं एसी चालू कर देता हूँ, जब तक एसी चालू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी का भी, बहुत सारे भाइयों का कहना है कि एसी चालू करेंगे तो हीटिंग टेम्परेचर नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं एसी चालू किया। अब देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी भी हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसी अपना चालू है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है, एसी चालू है, हीटिंग टेम्परेचर देखिए 66, 67 पे अभी भी अप हो रहा है। जो भाइयों का कहना है ये कि हीटर एसी ऑन करके अगर हीटर चालू करते हैं, हीटर हाई पे रखते हैं तो हीटिंग टेम्परेचर नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए, आपके लिए है ये वीडियो कि देख लीजिए आप, हीटिंग टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीटर का जो फ्लैप जब चालू करते है ना अपन, तो हवा जो रहता है ना, ये ब्लोअर में से जो हवा जाती है ना, वो हीटर कॉइल में डायरेक्ट जाता है, कूलिंग कॉइल का, कूलिंग कॉइल को क्लोज कर देता है, सॉरी कूलिंग कॉइल को क्लोज कर देता है, यानी कूलिंग कॉइल की तरफ से हवा जाने नहीं देता है, सिर्फ हीटर कॉइल की तरफ से एयर का फ्लो जाने देता है। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी भी 68 पे है, एयर का फ्लो सिर्फ हीटर कॉइल से होके आता है, तो जब आप उन हीटर बंद कर देते हैं तो हीटर का फ्लैप को बंद कर देता है, यानी हीटर का, हीटर के पास से पास ऑन हवा नहीं करता है, इस वजह से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 68 पे अभी भी है, तो जब अपन एसी चालू करते हैं, हीटर बंद कर देते हैं, तो हीटर का फ्लैप जो है हीटर कॉइल में से एयर को जाने नहीं देता है, सिर्फ कूलिंग कॉइल होते हुए अपने सामने आती है। जब हीटर ऑन करते हैं, हीटर ऑन करने के बाद हीटर का जो एयर ब्लोअर का जो हवा है हीटर कॉइल में से होके डायरेक्ट अपने पास आती है, न कि कूलिंग कॉइल में से होते हुए फिर हीटर कॉइल में आती है। अगर ऐसा सिस्टम बना था तो हीटिंग टेम्परेचर अंदर आता ही नहीं। तो चलो फिर, आपको समझ में आ गया होगा, तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।